हमारे मुखिया और साथ ही साथ प्रदेश को विकास की ओर ले जाते हुए हम सबों के चहेते और प्रिय मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी, आइए मिलकर जोरदार तालियों से अभिनंदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। नया जोश, नई ऊर्जा एवं झारखंड के सुनहरे भविष्य की आहट लिए मंच पर पधार रहे हैं झारखंड प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय। जोरदार तालियों से मंच पर स्वागत माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। आदरणीय मित्रों, बहुमुखी बौद्धिक क्षमता के धनी, अपनी सादगी, ईमानदारी, कर्मठता, जुझारूपन और जमीनी संघर्ष और भ्रष्टाचार के खिलाफ अनवरत आवाज बुलंद करने वाले ऐसे लोकप्रिय युवा नेता जिन्होंने सिद्धांतों और आदर्शों की राजनीति की और साथ ही साथ युवाओं के आदर्श बने और आज उन्हीं युवाओं के सपने को उड़ान देने के लिए सहाय योजना के शुभारंभ के लिए माननीय मुख्यमंत्री का पदार्पण चाईबासा के इस ऐतिहासिक ग्राउंड में मिलकर हम करते हैं उनका स्वागत। पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग झारखंड सरकार द्वारा आयोजित सहाय योजना जो झारखंड के 5 नक्सल प्रभावित जिलों से 14 वर्ष से 19 वर्ष के बालक एवं बालिकाओं को फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल एवं एथलेटिक्स में प्रशिक्षित करेगी, उन्हें पारंगत करेगी और उनके जीवन में खेलकूद के द्वारा सुधार और समृद्धि लाएगी। योजना के उद्देश्यों में शामिल जहां माननीय युवा मुख्यमंत्री का नजरिया कि इस योजना के माध्यम से युवाओं के साथ संवाद स्थापित करना, जिसके द्वारा भारत सरकार एवं राज्य सरकार की योजनाओं के संबंध में युवाओं के बीच जागरूकता पैदा करना, साथ ही खेलों के माध्यम से युवाओं में स्फूर्ति की भावना उत्पन्न करना जिससे कि वे अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हो सके, और साथ ही झारखंड सरकार का ये प्रयास कि खेलकूद के माध्यम से युवाओं को स्वस्थ रखने हेतु प्रेरित करना। आइए आज युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए माननीय मुख्यमंत्री की सोच जो आज साकार होने जा रही है और खेल के माध्यम से युवाओं के सपनों को एक नई उड़ान दी जा रही है, मैं पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग झारखंड सरकार के माननीय सचिव श्री अमिताभ कौशल जी से निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन, वंदन और स्वागत पौधा भेंट कर करें। आपकी ये करतल ध्वनि कहीं ना कहीं अपने युवा मुख्यमंत्री को अपने बीच में पाकर आपकी खुशी का इजहार करते हुए इन खुशियों को बरकरार रखेंगे अपनी तालियों की गूंज में, और मैं मंच पर आसीन
माननीय मंत्री श्री चंपाई सोरेन जी का भी जोरदार तालियों से अभिनंदन करता हूं और डीएसओ साहब से मैं निवेदन करता हूं कि वो पौधा भेंटकर माननीय मंत्री महोदय का अभिनंदन करें। माननीय चंपाई सोरेन जी, हमारे बीच महिला बाल एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की माननीय मंत्री महोदया श्रीमती जुबा मांझी जी, जोरदार तालियों से अभिनंदन और मंच पर पौधे से उनका स्वागत। मैं जिला खेल पदाधिकारी रूपा रानी तिर्की जी से अनुरोध करूंगा कि माननीय मंत्री महोदया का स्वागत पौधा भेंट कर करें। मंच पर उपस्थित श्रम रोजगार प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग के माननीय मंत्री आदरणीय सत्यानंद भोक्ता जी, जोरदार तालियों से स्वागत हो उनका मंच पर। और श्री शंकर एक्का एसडीओ जगन्नाथपुर से निवेदन कि माननीय मंत्री महोदय को पौधा भेंट कर उनका अभिनंदन करें। युवा खिलाड़ियों का जोश उनकी तालियों में गुंजित होती रहे, मंच की गरिमा बढ़ाते हुए ग्रामीण विकास विभाग के माननीय मंत्री आदरणीय आलमगीर आलम जी हमारे बीच, जोरदार तालियों से उनका खैर मकदम मंच पर। और मैं पश्चिमी सिंहभूम के पुलिस अधीक्षक से निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री महोदय का स्वागत वो पौधा भेंट कर करें। मंच की शोभा बढ़ाते हुए सांसद सिंहभूम संसदीय क्षेत्र से माननीय श्रीमती गीता कोड़ा जी, जोरदार तालियों से अभिनंदन। और रूपा रानी जी से अनुरोध की पौधा भेंट कर मैडम का स्वागत करें। मंच की शोभा बढ़ाते हुए ही हमारे साथ हैं चकदरपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री सुखराम उरांव जी, जोरदार तालियों से स्वागत हो आदरणीय सुखराम उरांव जी का और पौधे से उनका स्वागत मंच पर। मंच पर ही अभिनंदन मचगांव विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक श्री नीरल पूर्ति जी का और साथ ही जोरदार तालियों से अभिनंदन भी और पौधे से स्वागत जिला प्रशासन के द्वारा। मंच की शोभा बढ़ाते हुए चाईबासा विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक श्री दीपक बिरुआ जी, जोरदार तालियों से अभिनंदन हमारे युवा विधायक का और मंच पर अभिनंदन डीएसओ साहब द्वारा पौधा भेंट कर। सिंहभूम कोल्हान प्रमंडल के आयुक्त श्री मनोज कुमार जी हमारे बीच, जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत और विभाग की तरफ से पौधा भेंट कर उनका अभिनंदन। बहुत ही आदर सहित मैं मंच पर अभिनंदन करना चाहूंगा जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक श्री सोनाराम सिंह को जी का, जोरदार तालियों से स्वागत हो और मंच पर विभाग के द्वारा पौधे से उनका अभिनंदन। आदरणीय मित्रों, कहते हैं कोई खूबसूरत सा पल किस्सा बन जाता है और जाने कब कौन किसी का हिस्सा बन जाता है। और कुछ लोग हमें हमारी जिंदगी में ऐसे मिलते हैं जिनसे कभी ना टूटने वाला रिश्ता बन जाता है। आज इसी रिश्ते को बरकरार रखते हुए हमारे साथ तो ये सीधी तस्वीरें आप चाईबासा से देख रहे हैं जहां पर सहाय योजना कार्यक्रम आज बताएं आपको कि ऐसे जिले नक्सल प्रभावित जिले के तकरीबन हजारों युवाओं को जोड़ा जाएगा इस योजना से, उन्हें निबंधित किया जाएगा बतौर खिलाड़ी। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहां पर स्वागत किया जा रहा है, जो अतिथिगण वहां पर मौजूद हैं मंच पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ पौधा देकर उनका अभिनंदन उनका स्वागत किया जा रहा है।
सरकार आपके द्वार कार्यक्रम भी है। यहाँ पर करोड़ों की परिसंपत्तियों का वितरण भी किया जाना है। मंत्री जोबा मांझी को आप देख रहे हैं, सत्यानंद भोक्ता भी हैं, और ये कार्यक्रम काफी अहम, सरकार आपके द्वार ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, और ये कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ लोगों तक पहुंच सके, लोगों को इसका लाभ मिल सके, इसलिए सरकार बाकायदा कैंप लगाकर, शिविर लगाकर लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, ताकि इस योजना के बारे में, सरकारी योजनाओं के बारे में उन्हें बताया जा सके, इससे उन्हें लाभ मिल सके, और ऑन स्पॉट कई समस्याओं का निपटारा भी हो रहा है। इसके साथ ही साथ सहाय योजना की शुरुआत आज करने वाले हैं मुख्यमंत्री, और ये तस्वीरें आप सीधे देख रहे हैं। अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मंत्री आलमगीर आलम, अलग अलग कोई हताश होकर बिखर जाता है तो उससे कोई संघर्ष कर निखर जाता है। संघर्षों की बुनियाद पर जीत की नई कहानी लिखी है झारखंड के क्रांतिकारी धरती पुत्र लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने। माननीय मुख्यमंत्री जी का मानना कि निर्णय सिर्फ नारों से नहीं बल्कि चिंतन और चाहत से आती है, और इसी चाहत की ये कोशिश, ये अगली कड़ी सहाय योजना, जिसका शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री एवं सारे गणमान्य विधायकगण और मंत्रीगण अपने कर कमलों से कर रहे हैं, आइए मिलकर उनका समर्थन करते हैं अपनी जोरदार करतल ध्वनि से। झारखंड के आविर्भाव के लिए, प्रदेश की प्रगति के लिए एवं झारखंड वासियों की उन्नति के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में झारखंड सरकार ने इतने कम समय में ऐसे कई अभूतपूर्व निर्णय लिए हैं जो कहीं ना कहीं झारखंड वासियों के उज्जवल भविष्य की बेहतरी के लिए है, और इसी निर्णयों में शामिल ये सहाय योजना, ये योजना जो खेल के माध्यम से युवाओं के सपने को सच करेगी, और इस सपने की हकीकत को बताने के लिए मैं बहुत ही आदर सहित पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के सचिव महोदय से निवेदन करूंगा कि वो आए और अपना संबोधन रखें। माननीय सचिव महोदय, आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, मंच पर उपस्थित माननीय मंत्री श्री चंपाई सोरेन जी, माननीय मंत्री श्रीमती जोबा मांझी मैम, माननीय मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता जी, माननीय मंत्री श्री आलमगीर आलम जी, माननीय मंत्री श्री हफीजुल हसन अंसारी जी, माननीय सांसद श्रीमती गीता कोड़ा मैम, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री मधु कोड़ा जी, माननीय विधायक श्री दशरथ गगराई जी, माननीय विधायक श्री सुखराम उरांव जी, माननीय विधायक श्री सोनाराम सिंकू जी, माननीय विधायक श्री नीरल पूर्ति जी, माननीय विधायक श्री दीपक बिरुआ जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव श्री राजीव अरुण एका सर, कोलान प्रमंडल के आयुक्त श्री मनोज कुमार जी, निदेशक खेल श्री जीशान कंवर जी, उपायुक्त पश्चिम सिंहभूम श्री अनन्य मित्तल जी, पुलिस अधीक्षक श्री अजय लिंडा जी, यहाँ पर उपस्थित पश्चिमी सिंहभूम जिला के सभी प्रशासनिक पदाधिकारी,
यहाँ पर उपस्थित विशेष रूप से सहाय योजना अंतर्गत भाग लेने वाले सभी खिलाड़ी भाइयों बहनों पत्रकार बंधुओं, पर्यटन कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग की ओर से संचालित सहाय योजना के शुभारंभ के अवसर पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। सहाय योजना के बारे में मैं दो मिनट आपका समय लूंगा। सहाय योजना, सहाय शब्द एक्रोनिम है स्पोर्ट्स एक्शन टुवर्ड्स हार्नेसिंग एस्पिरेशन ऑफ यूथ। ये योजना 5 जिले पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला खरसवां, खूंटी, सिमडेगा एवं गुमला जिलों में कार्यान्वित की जा रही है। इसमें जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों की पहचान कर प्रतियोगिता हम लोग कराने का कार्यक्रम है, प्रखंड स्तर से राज्य स्तर तक प्रतियोगिता कराई जाएंगी। फुटबॉल, हॉकी, एथलेटिक्स और वॉलीबॉल की। एथलेटिक्स में 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर और लॉन्ग जंप। प्रत्येक प्रतियोगिता दो भाग में होगी, महिलाओं की अलग, पुरुषों की अलग, युवक की अलग, युवतियों की अलग। इसमें 14 वर्ष से 19 वर्ष के युवक युवती भाग लेंगे। इसमें निबंधन का कार्य ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत स्तर पे किया जा रहा है। अभी तत्काल, क्योंकि आज इस योजना का शुभारंभ हो रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये योजना लॉन्च की गई थी 15 नवंबर को। उसके बाद रजिस्ट्रेशन इन 5 जिलों में कुल 44,000 खिलाड़ियों का हुआ है। 44,000 युवक युवतियों ने इस योजना के तहत विभिन्न खेलों में भाग लेने के लिए अपना निबंधन कराया है। अब तक निबंधन का कार्य जारी है। ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत स्तर पर निबंधन किया जाएगा, उसके बाद प्रतियोगिता होगी प्रखंड स्तर पर। प्रखंड स्तर पर प्रतियोगिता से तात्पर्य है कि विभिन्न पंचायतों की टीम आपस में खेलेंगी। उसके बाद जिला स्तर पर प्रतियोगिता होगी जिसमें कि विभिन्न प्रखंडों की टीम खेलेंगी, और उसके बाद राज्य स्तर पर प्रतियोगिता होगी जिसमें विभिन्न जिलों की टीम, ये 5 जिले जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी टीम खेलेंगी। युवक की प्रतियोगिता अलग चलेगी, युवतियों की प्रतियोगिता अलग चलेगी। प्रत्येक जैसे हम लोग मैंने स्पष्ट कहा कि ग्रामीण स्तर पे हम लोग कराएंगे, साथ ही साथ जिले में शहरी स्तर पे भी होगा। तो जो बात ग्राम पंचायत लेवल पे, जैसे प्रखंड स्तर पे जब टीम खेलेगी तो ग्राम पंचायत की टीम खेलेगी, उसी प्रकार शहरी निकाय स्तर पे वार्ड की टीम खेलेगी, और शहरी निकाय की टीम भी जिले में पार्टिसिपेट करेंगी प्रखंडों के साथ। इसमें हम लोग ने प्रोत्साहन राशि का भी प्रावधान किया है। प्रोत्साहन राशि 2,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक की होगी। विभिन्न लेवल पर और विभिन्न कैटेगरी के खेलों के लिए अलग अलग है, तो 2,000 रुपए से प्रोत्साहन राशि शुरू होगी, जो बेहतर परफॉर्म करेंगे, और 10,000 रुपए तक का उसमें होगा। इसमें मुख्य उद्देश्य क्या है इस योजना के? जमीनी स्तर पर राज्य सरकार के द्वारा खिलाड़ियों की पहचान की जा रही है, ज्यादा से ज्यादा हमारे युवक युवती खेल से जुड़ें, और जब खेल से जुड़ेंगे तो
स्वास्थ्य के प्रति और जीवन में प्रतिस्पर्धा की भावना, ये दोनों बातें अपने आप आती हैं। आप स्वस्थ भी रहते हैं, एक हेल्थ एंगल हो गया, और दूसरा कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, कॉम्पिटिशन का एंगल, और हेल्दी कॉम्पिटिशन, आपस में हेल्दी कॉम्पिटिशन टीम स्पिरिट के साथ। क्योंकि जैसा कि आपने देखा, एथलेटिक्स को छोड़ के बाकी सारे गेम्स टीम गेम्स हैं, जिसमें कि अच्छा परफॉर्म इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के बेसिस पर नहीं किया जा सकता है जब तक टीम कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। फुटबॉल में गोल करके जीता नहीं जा सकता है जब तक कि आपस में बढ़िया पास नहीं दिया जाएगा। तो आपस में बढ़िया कोऑर्डिनेशन, जिससे कि बेहतर कोऑर्डिनेशन लोगों के बीच में हो और बेहतर भावना आपस में जगे। इसके साथ ही साथ इसके कुछ कंपोनेंट्स साथ में हैं, जैसा कि आज आपने देखा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सरकार की विभिन्न योजना के बारे में जानकारी दी जा रही थी, चाहे वो सरकार आपके द्वार हो, चाहे कोरोना काल में वैक्सीनेशन की का महत्व हो, ये सब भी जानकारी जनता तक पहुंचाई जा रही थी। तो ये नुक्कड़ कल्चरल प्रोग्राम्स के माध्यम से और योजनाओं का प्रचार प्रसार हो और जनता तक योजनाओं के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो, ये भी इस योजना का एक उद्देश्य है। तो अंत में मैं पुनः मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों का हार्दिक स्वागत करता हूं और यहां पर उपस्थित सबका स्वागत करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सचिव महोदय। आदरणीय मित्रों, परिवर्तन नारों से नहीं बल्कि निर्णय से आते हैं। झारखंड में दूसरी बार ऐसी निर्णय लेने वाली शख्स जिनकी कर्मठता, कर्तव्यनिष्ठता और कार्य करने की अनोखी क्षमता पर पूरे झारखंड को गर्व है, जिनका जीवन संघर्षों की बुनियाद पर खड़ी सफलता की वो इमारत है जो लगातार आसमान छूने को बेताब है। जी हाँ, एक ऐसे ही स्वप्नद्रष्टा, समाज सेवी, जननायक, युवा नेतृत्वकर्ता, जिनके नेतृत्व में झारखंड प्रदेश के युवाओं को एक नई दशा और दिशा प्रदान की जा रही है, जो जीत के जुनून में झारखंड की नई कामयाबी की कहानी लिख रहे हैं और झारखंड प्रदेश के खेवनहार, झारखंड संस्कृति के सिपह सलार, जो झारखंड की प्रगति के लिए सतत ईमानदार प्रयास कर रहे हैं, जो अपार क्षमता, पक्के इरादे और दृढ़ संकल्प के धनी हैं, जो युवा शक्ति के प्रतीक हैं और जो जिनसे हम अब निवेदन करेंगे कि हमारे युवा खिलाड़ियों के जोश को, उनके सपने को साकार करने हेतु अपना आशीर्वाद, अपना आशीर्वचन और अपनी शुभकामनाएं अपने संबोधन में निवेदित करें। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का उनके संबोधन के लिए। आज यहां चाय बासंगे एसोसिएशन ग्राउंड में सरकार द्वारा शुभारंभ किया जा रहा सहाय योजना समारोह में हमारे साथ उपस्थित मंच पर हमारे मंत्रिमंडल में सहयोगी मंत्रीगण, हमारे साथ यहां उपस्थित सांसद महोदया, विधायकगण, हमारे साथ उपस्थित पूर्व मुख्यमंत्री जी,
यहाँ उपस्थित खेल सचिव, हमारे प्रधान सचिव, जिला के उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक और विशेषकर आज की इस योजना को जो आज शुभारंभ होने जा रही है और विगत 6 महीनों तक ये चलता रहेगा, इस योजना को मंजिल तक पहुंचाने वाले आप सभी, विशेषकर हमारे खिलाड़ियों, मीडिया के मित्रों, आप सभी का आज के शुभारंभ कार्यक्रम में अपनी ओर से स्वागत करते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूं। बहुत देर से आप लोग इंतजार कर रहे हैं, आज ये शुरुआत है, हम लोगों का ये पहला कदम है। ये सहाय योजना आज से लगभग 8-9 महीना पहले मैं किसी यात्रा पर था अपने पदाधिकारियों के साथ, अपने सहयोगियों के साथ, हवाई जहाज के सफर पर। और चूंकि राज्य के हर कोने, हर लोगों को कैसे हम लोग मदद पहुंचाएं, इसके लिए हम लोग अनवरत चिंतन मंथन पर लगे रहते हैं। और उसी समय ये चर्चा हुई और हमने इस बात को छेड़ा कि हमारे राज्य में जो बरसों से हमारा कुछ क्षेत्र यहां पर उग्रवादी प्रभावित क्षेत्र रहा है और कई मायने में इस क्षेत्र को लोगों ने डरावना माहौल बनाने का प्रयास किया है। हालांकि हम ग्रामीण क्षेत्र को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, ऐसा हमें कभी महसूस नहीं हुआ, लेकिन बाहर की दुनिया में इन क्षेत्रों की, हमारे इन कुछ जिलों को इस तरीके से प्रस्तुत किया गया है जिसको लेकर जो लोग इस राज्य के बारे में नहीं जानते हैं, इस राज्य के मूलवासी आदिवासियों के बारे में नहीं जानते हैं, यहां के आंदोलनकारियों के बारे में नहीं जानते हैं, यहां के जल जंगल जमीन के बारे में नहीं जानते हैं, यहां की भाषा संस्कृति के बारे में नहीं जानते हैं, उनके मन में कई सारे सवाल उभरते हैं। हम लोग तो जवाब दे देते हैं, लेकिन जो इन क्षेत्रों का एक चित्र लोगों के मन में जो गढ़ दिया गया है, उससे वो उभर नहीं पाते। और इस राज्य में जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो अपनी भाषा संस्कृति सभ्यता के साथ जीने का जुनून और अपना व्यवस्था को बचाए रखने का जुनून और अपना प्रतिभा का जो एक हरेक नौजवानों में कुछ ना कुछ प्रतिभाएं छुपी है जिसका लोगों ने आज तक ना आकलन किया, ना उसके करीब जाने का प्रयास किया,
ना उसको हम साथ करने का प्रयास हुआ। ये भारत में एक अनोखा योजना है और हमारा ये प्रयास है जो इस राज्य के चंद जिलों का जो चित्र लोगों के मन में है उस चित्र को बदलने का। तो कई क्षेत्र सोचते सोचते हमारा ये क्षेत्र आया कि हम नौजवानों के माध्यम से नई पीढ़ी के माध्यम से उन चित्रों को बदलने का प्रयास करेंगे और इसके लिए हम लोगों ने खेल विभाग खेल कूद और कला संस्कृति विभाग का एक योजना तैयार किया जिसके माध्यम से पंचायत से लेके प्रखंड से लेके जिला से लेके वार्ड से लेके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से लेके उन जिलों के हर स्तर पर खेल का आयोजन होगा और उस खेल के माध्यम से सुदूर जंगलों में हम एक ऐसा वातावरण बनाने की प्रयास में है जहां लोग डर भय और एक दस भरा माहौल में जीवन यापन करने के लिए मजबूर होते आ रहे हैं। उन सब जंगलों में एक मुस्कान एक ठहाके भरा वातावरण तैयार हो। हम उन सब जंगलों में उन ग्रामीणों में उन खेत खलियानों में उन शहरों में उन कस्बों में एक ऐसा वातावरण सृजन करने का हमारा प्रयास है जिसके माध्यम से हमारे नौजवान जिन लोगों को जो यहां के विशेषकर हमारे झारखंडी नौजवान है बहुत सीधे साधे भोले भाले इनको कोई बाला फुसला ना सके कोई डरा धमका ना सके कोई इसको गलत राह ना दिखा सके। हम एक रास्ता आप लोगों के लिए खोलना चाहते हैं एक राह बनाने का हमारा प्रयास है कि इसके माध्यम से एक आने वाला समय में एक नई नई ऊंचाइयों को आप छू सके। आज एक ही जिला से जो मुझे जानकारी मिली है लगभग 17,000 बच्चों ने लड़के लड़कियों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है इस खेल में हिस्सा खेल का हिस्सा बनने के लिए और आज यहां खूंटी चायबासा गुमला सरायकेला के जिले यहां पर 5 जिलों का इस क्षेत्र में कार्यक्रम होना है उन जिलों में भी होना है उन प्रखंडों में भी होना है और इसके साथ साथ सरकार की जो अभी योजनाएं हम लोग आप लोगों के समक्ष ला रहे हैं वो विशुद्ध रूप से आपके संस्कृति आपके सभ्यता के साथ जुड़ा हुआ योजनाएं हैं जिसके माध्यम से आप अपने पैरों पर खड़ा होकर आप निर्भर बन सकते हैं आप रोजगार भी सृजन कर सकते हैं आप खुद के साथ साथ औरों को भी रोजगार दे सकते हैं। मैं जानता हूं ये एक दिन में नहीं होगा परिवर्तन कोई जादुई छड़ी नहीं है कि छड़ी घुमा दिया सब बदल गया। इसी के लिए आप लोगों को हम अपना हिस्सा बनाने का हमारा ये एक प्रयास है कि आपके हाथों से आपके घर आपके गांव आपके भाई बहनों का आपने माता पिताओं का जिम्मेवारी उठाने के आप जिम्मेदारी उठाने के लिए आप आगे आए और हम इस बात को मानकर चल रहे हैं
कि झारखंड प्रदेश तभी विकास कर पाएगा जब हमारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था और ग्रामीण किसान मजदूर अपने पैरों पर खड़ा होगा, नौजवान अपने पैरों पर खड़ा होगा। आज खेल को इस वजह से हम लोगों ने माध्यम बनाया कि हम इस राज्य में खनिज संपदा के नाम से तो 100 सालों से जाने जा रहे, पता नहीं कितने वर्षों से यहां पर यह आयरन ओर निकाला जा रहा है, कोयला निकाला जा रहा है, अबरक निकाला जा रहा है, बॉक्साइट निकाला जा रहा है। कई यहां उपस्थित हमारे आज एनरोल हुए खिलाड़ियों को तो पता भी नहीं होगा, लेकिन आज उसका नतीजा कितना लाभ मिला, कितने इस जंगल से आईएएस आईपीएस बनकर के लोग निकले, कितने डॉक्टर इंजीनियर बनकर के निकले, क्या बना तो पता चलेगा, जहां थे वहीं खड़े। लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं थी, हम आगे जा सकते थे, लेकिन हमें किसी ने रास्ता नहीं दिखाया और हमें कोई रास्ता देने को तैयार नहीं। आज खेल की दुनिया में झारखंड के बच्चे बच्चियां अपने खेल का प्रतिभा देश के सबसे बेहतर खिलाड़ियों का दिखा करके धमाल मचा रही है, लेकिन बेचारे यहां के खिलाड़ी जो देश दुनिया में कहीं गोल्ड मेडल, कहीं सिल्वर मेडल, कहीं ब्रॉन्ज मेडल लेके आ रहे हैं, वो सारे बच्चे या तो कहीं बर्तन मांज रहे हैं किसी के यहां मजदूरी कर रहे हैं, कहीं रजाकुली का काम कर रहा है, कहीं मिट्टी कटाई का काम कर रहा है बेटा। इसीलिए हम लोगों ने खेल को पूरी जिम्मेदारी के साथ तराशने का प्रयास किया है और इसी का नतीजा है कि आपके इस भाई ने इस राज्य में पहली बार खिलाड़ियों को सम्मानित कर नौकरी सीधा देने का काम किया है। पहली बार यहां पर खेल पदाधिकारियों का नियुक्ति हुआ है। इन खिलाड़ियों को जो जंगलों में गांवों में छुपे हैं उनको खोज खोज निकाल कर इन क्षेत्रों में जिसको उग्रवादी प्रभावित क्षेत्र कहा जाता रहा है, आने वाला समय में हम यहां खेल प्रतिभाओं का नर्सरी खोलने का प्रयास करेंगे, घर घर से खिलाड़ी निकालेंगे और देश दुनिया में इस राज को खेल के माध्यम से एक अलग स्थान दिलाने का काम करेंगे। ये शुरुआत है, हमारी व्यक्तिगत रूप से इस योजना पर नजर है और निश्चित रूप से आप सभी बच्चे बच्चियों से मेरा आग्रह है, यहां कितने कुछ हैं, हमारा ये चायबासा, हम लोगों का ये सरायकेला, हम लोगों का जमशेदपुर, हम लोगों का खूंटी, हम लोगों का गुमला, इन सब क्षेत्र में पर्यटक स्थल भी अनगिनत है। किरीबुरू हो, मेघातुबुरू हो, हिरनी फॉल हो और बहुत सारे हैं, और कोना कोना में तो हम लोगों का आंदोलनकारियों का समाधि स्थल अनगिनत है, चाहे पोटो हो चाहे खरसवा गोलीकांड का खरसवा शहीद स्थल हो, मंझीहारी में हम लोगों का एक प्राचीन मंदिर भी है। इन सब चीजों को खेल और पर्यटन के माध्यम से इन जंगलों में जहां आज गोलियों की आवाज के बारे में मशहूर है, वो दिन दूर नहीं साथी, वहां आप लोगों के माध्यम से उन जंगलों में खिलाड़ियों और टूरिस्टों का ठहाके और हंसी सुनाई देंगे। बस
आप लोग अपना हुनर निखारने के लिए आगे आए, सरकार आपके लिए पूरी तरीके से दरवाजा खोली है और हम खेल के माध्यम से एक लंबी दूरी तय करने का हमारा संकल्प है। और आज विभाग की तरफ से जो चीजें बताई गई है सब बच्चों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। यहीं तक चीजें नहीं रुकनी है, आप खेल के साथ साथ आने वाले कई चीजें, पुलिस की बहाली होगी, शिक्षक की बहाली होगी, कई संवर्ग में विभागों में बहालियां होंगी। मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तो निश्चित रूप से उन सब जगहों को भी आप हासिल कर पाएंगे। उसके बाद 6 महीने के बाद इस पूरे योजना का एक आकलन किया जाएगा और उसके बाद इस राज्य को खेल के क्षेत्र में एक बड़ी कार्य योजना हम लोग बनाने की तैयारी में। आज इसीलिए आपको याद होगा, इसके पहले गांव गांव पंचायत पंचायत में फोटो हो खेल मैदान बनाने का काम चल रहा था। 8-9 महीना पहले से कोरोना के पीरियड से ही ये चीजें चल रही थी। वो उस फोटो हो मैदान बनाने के पीछे यही मेरा लक्ष्य था कि हम इस खेल को और आगे तक ले जाने का हमारा जो लक्ष्य है उसका ये पहला पड़ाव है जो आज सहाय योजना हम लोगों ने प्रारंभ किया। इसलिए इसके अंदर बहुत कुछ है, आप लोग आगे आइए, आने वाला समय आपको बहुत सारे रास्ते, आपको अपना भविष्य गढ़ने का, आपको अपना भविष्य तय करने का मौका मिलेगा। इसलिए मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, अभी और भी हम लोगों का कार्यक्रम है, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम आपको पता है कि पंचायत पंचायत में हम लोगों ने प्रारंभ कर रखा है, उसका भी आज प्रमंडलीय स्तर यहाँ कार्यक्रम है। इन्हीं बातों के साथ यहाँ उपस्थित सभी प्रबुद्ध जनों को मैं बहुत आभार प्रकट करूंगा और विशेषकर हम अपने खेल खिलाड़ियों को, बच्चे बच्चियों को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोग आज यहाँ पर भारी संख्या में उपस्थित हुए हैं, आने वाला समय में और आप लोग एकत्रित होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको, जोहार, जय हिंद, जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। मैं सचिव महोदय से निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं सभी गणमान्य मंत्री महोदय, विधायक गण, सांसद गण को लेकर वो मैदान की तरफ आगे बढ़े। वहां मशाल प्रज्वलित, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, इस मशाल जो खिलाड़ी वहां पर पहुंचे हैं, जो जिनका निबंधन किया गया है सहाय योजना के तहत, उन सभी से मुलाकात करते हुए, उनसे बातचीत करते हुए, इस दौरान मंत्री आलमगीर आलम, सत्यानंद भोक्ता भी मौजूद है, मुख्यमंत्री सभी खिलाड़ियों से मिलते हुए उनका हौसला बढ़ाते हुए ये चायबासा से तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। खेल मंत्री हफीजुल हसन भी मौजूद है यहां पर, मंत्री जोबा मांझी भी कार्यक्रम में मौजूद हैं और मुख्यमंत्री मुलाकात करते हुए यहां पहुंचे खिलाड़ियों के साथ। बोलेंगे
जम के खेलो। तो झारखंड का ये जोश, ये जुनून, जो सपने बनकर आसमान की नई ऊंचाइयों को छूने के लिए बेताब, और उनकी इन उम्मीदों को, इन हौसलों को और शक्ति प्रदान करते झारखंड प्रदेश के युवा नेतृत्वकर्ता आदरणीय हेमंत सोरेन जी, क्योंकि झारखंड के आविर्भाव के लिए, प्रदेश की प्रगति के लिए और झारखंड वासियों की उन्नति के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में झारखंड सरकार ने कई निर्णय लिए, जिन्होंने युवाओं के दिल में झारखंड सरकार के विश्वास को और पुख्ता किया है। और जहां युवाओं ने ये माना है कि हेमंत है तो हिम्मत है, और इसी हिम्मत को अपने हौसले से, जरा जोरदार तालियों से इनकी हिम्मत को हम अपना हौसला देंगे। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सभी गणमान्यों का हम धन्यवाद देंगे, जिनके जोश ने, जिनकी उम्मीद ने और जिनकी सोच ने अपने सपने को, उड़ान को एक सरजमी दी है, और साथ ही साथ ये साबित किया है कि रेगिस्तान भी हरे हो जाते हैं जब अपनों के साथ अपने खड़े हो जाते हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी जो झारखंड के युवाओं के कदमों से कदम मिलाकर उनके कार्यक्रम की शुरुआत की गई। आपको बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन ने इस योजना की शुरुआत की है। मंत्री चोबा मांझी, चंपई सोरेन यहां पर मौजूद रहीं, और साथ ही हफिजुल हसन भी वहां पर मौजूद हैं। सांसद गीता कोड़ा, पूर्व सीएम मधु कोड़ा मौजूद हैं। सहाय योजना कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन ने दीप जलाकर इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो सीएम हेमंत सोरेन वहां पर खिलाड़ियों से मुलाकात की है और दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। चाईबासा में सीएम हेमंत सोरेन ने सहाय योजना की शुरुआत की है। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में भी शामिल होंगे सीएम हेमंत सोरेन। 14 से 19 साल के खिलाड़ियों के साथ मुलाकात की है उन्होंने। ग्राउंड में जाकर सीएम हेमंत सोरेन और उनके साथ सभी मंत्री वहां पर मौजूद थे। मंत्री जोबा मांझी भी कार्यक्रम में मौजूद हैं। मंत्री जोबा मांझी, चंपई सोरेन और आपको बता दें कि सांसद गीता कोड़ा, पूर्व सीएम मधु कोड़ा भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। तो दीप जलाकर सीएम हेमंत सोरेन ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की। चाईबासा में खिलाड़ियों से उन्होंने मुलाकात की है सीएम हेमंत सोरेन ने, और साथ ही इस दौरान मंत्री आलमगीर आलम, सत्यानंद भोक्ता मौजूद रहे। 14 से 19 साल के खिलाड़ियों का रजिस्ट्रेशन किया गया। खेल मंत्री हफिजुल हसन भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। मंत्री चोबा मांझी, चंपई सोरेन, गीता कोड़ा, पूर्व सीएम मधु कोड़ा इस कार्यक्रम में मौजूद। दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। खिलाड़ियों के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे और वहां पर मंत्री आलमगीर आलम, सत्यानंद भोक्ता मौजूद। तो घर घर से खिलाड़ी निकालने का काम करेंगे। इस योजना पर मेरी खुद की नजर है, सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि नक्सल प्रभावित जिलों में कई ऐसे पर्यटन स्थल हैं, और साथ ही घर घर से सभी खिलाड़ियों को निकाला जाएगा, उनको उभारा जाएगा, और झारखंड के खिलाड़ी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे आगे जाकर। तो सीएम हेमंत सोरेन का बयान सामने आया है, जिसमें सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि आज ये पहला कदम है और 14 से 19 साल के बीच खिलाड़ियों का रजिस्ट्रेशन किया है। 9 महीने पहले योजना को लेकर कार्य शुरू हुआ था और अब ये पहला कदम है। सालों से हमारे कुछ क्षेत्र नक्सल प्रभावित हैं, जिसको लेकर ये पहला कदम है। तरह तरह की बात कर डरवाना, और ये बता दें आपको कि यहाँ पर मैं नजदीक से जानता हूँ ऐसे क्षेत्र को, और इस क्षेत्र से खिलाड़ियों को उभारा जाएगा। इस क्षेत्र के नौजवानों की प्रतिभा छिपी हुई है, उसको उभारा जाएगा।
तो किसी ने इन युवाओं की सुध नहीं ली और ये पहला कदम है जिसमें खिलाड़ियों को भारा जाएगा। हम नई पीढ़ी के माध्यम से और खिलाड़ियों के बीच पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन, उनके साथ खेल मंत्री हफीजुल हसन, गीता कोड़ा, जोबा मांझी, सभी मंत्री वहां पर मौजूद, दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। सीएम हेमंत सोरेन ने 14 से 19 साल के खिलाड़ियों के का रजिस्ट्रेशन किया। चाईबासा में सहाय योजना कार्यक्रम की शुरुआत की गई। सहाय योजना के जरिए प्रखंड से वार्ड तक के खिलाड़ी को मौका मिलेगा, सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है। खेत खलिहान में नया वातावरण बनेगा, इन युवाओं को कोई भटका नहीं सकता और अब युवाओं को भारा जाएगा, खिलाड़ियों को भारा जाएगा। झारखंड में जो छिपे खिलाड़ी हैं उनको भारा जाएगा। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि ये नक्सली क्षेत्र है और इन क्षेत्रों से खिलाड़ियों को भारा जाएगा, उनकी प्रतिभाओं को निखारा जाएगा। 5 जिलों के लिए सहाय योजना की शुरुआत की गई है। खेल मंत्री हफीजुल हसन, साथ ही गीता कोड़ा, जोबा मांझी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। तो सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि सभी खिलाड़ियों को आत्मनिर्भर बनना है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है। सीएम ने सहाय योजना की शुरुआत की, दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान गीता कोड़ा, आलमगीर आलम, सत्यानंद भोक्ता, खेल मंत्री हफीजुल हसन, सभी लोग वहां पर मौजूद। खिलाड़ियों के बीच में सभी मंत्री पहुंचे और झारखंड के बच्चे नाम रोशन करेंगे। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा खिलाड़ियों की स्थिति किसी से छिपी नहीं है और ये पहला कदम है जिसके बाद पहली बार खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति की गई है। खेल पदाधिकारियों की नियुक्ति हुई है और एक कदम खिलाड़ियों की तरफ। सभी से मुलाकात की, सभी खिलाड़ियों से सीएम हेमंत सोरेन ने मुलाकात की है। उनके साथ सत्यानंद भोक्ता, सांसद गीता कोड़ा, पूर्व सीएम मधु कोड़ा, सभी लोग वहां मौजूद। सीएम ने की है सहाय योजना की शुरुआत और ये सभी नक्सल क्षेत्र हैं, इन नक्सल क्षेत्रों से खिलाड़ियों को उभारना है, खिलाड़ियों की प्रतिभाओं को उभारना है, ऐसा सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है। और सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि ये पहला कदम है। 9 महीने पहले योजना को लेकर कार्य शुरू हुआ था और अब खिलाड़ियों की सुध पहले कोई नहीं लेता था, लेकिन ये सरकार आपके लिए है। तरह तरह की बात सामने आती थी लेकिन नक्सल क्षेत्र में खिलाड़ियों की प्रतिभाओं को उभारना लक्ष्य है। तो चाईबासा में सीएम हेमंत सोरेन ने सहाय योजना की शुरुआत की। 14 से 19 साल के खिलाड़ियों का रजिस्ट्रेशन किया। इस दौरान खेल मंत्री हफीजुल हसन, गीता कोड़ा, जोबा मांझी कार्यक्रम में मौजूद, खिलाड़ियों के बीच जाकर सीएम हेमंत सोरेन ने मुलाकात की और सीएम हेमंत सोरेन का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि प्रखंड से वार्ड तक के खिलाड़ियों को मौका मिलेगा, खिलाड़ियों की प्रतिभाओं को निखारा जाएगा और खिलाड़ियों की स्थिति से कोई वंचित नहीं है। अब खिलाड़ियों की स्थिति को लेकर और भी सुधारा जाएगा, मुख्य धारा से युवाओं को जोड़ रहे हैं, ये पहला कदम है और इस योजना को
अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। तो 5 जिलों के लिए सहाय योजना की शुरुआत की गई है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि नक्सल क्षेत्र से खिलाड़ी की प्रतिभाओं कुछ वहां पर उभार नहीं पाते थे, लेकिन अब उनकी प्रतिभाओं को उभारा जाएगा, सभी को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। मंत्री आलमगीर आलम, खेल मंत्री हफीजुल हसन और आज खेल की दुनिया में राज्य का नाम है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि ये पहला कदम है, झारखंड के बच्चे अपना नाम रोशन कर रहे हैं। खिलाड़ियों की स्थिति किसी से छिपी नहीं है और खिलाड़ियों की प्रतिभाओं को और निखारा जाएगा। पहली बार खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति की गई है, खेल पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। घर घर से खिलाड़ी निकालने का काम करेंगे हम, तो सभी खिलाड़ियों को उभारने का काम इस योजना के जरिए किया जाएगा। इस योजना से खिलाड़ियों को जोड़ा जाएगा। नक्सल प्रभावित जिलों में इस योजना की शुरुआत की गई है, 5 जिलों में इसकी शुरुआत की गई है। सीएम ने कहा कि खिलाड़ियों की प्रतिभाएं अब तक छिपी हुई थी और इस कदम से सहाय योजना की शुरुआत से अब खिलाड़ियों का हुनर दिखेगा, खेल के साथ बहाली में भी भाग ले सकेंगे खिलाड़ी। 6 महीने बाद इस योजना की समीक्षा की जाएगी और बड़े पैमाने पर खेल को लेकर योजना बनेगी। तो 14 से 19 साल के खिलाड़ियों का रजिस्ट्रेशन किया गया सीएम हेमंत सोरेन। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सीएम हेमंत सोरेन खिलाड़ियों के बीच पहुंचे, बच्चों से मुलाकात की, खिलाड़ियों से मुलाकात की। सीएम ने सहाय योजना की शुरुआत की, दीप प्रज्वलित कर इस योजना की शुरुआत की है। तो 5 नक्सल क्षेत्र से इस योजना को जोड़ा गया है और इस क्षेत्र की प्रतिभा किसी से छिपी नहीं है, सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है। और इस योजना के जरिए प्रतिभाओं को उभारने का काम किया जाएगा। तो सहाय योजना के जरिए सीएम हेमंत सोरेन ने 14 से 19 साल के खिलाड़ियों का रजिस्ट्रेशन करवाया, वार्ड से प्रखंड से वार्ड तक खेत खलिहान में नया वातावरण बनेगा और जो खिलाड़ियों की प्रतिभा अभी तक छिपी हुई थी उसको उभारा जाएगा। तो इस योजना को अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। 5 जिलों के लिए सहाय योजना सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं और बदलाव एक दिन में नहीं होता है, ऐसा सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है। और साथ ही उन्होंने कहा कि एक कदम आगे बढ़ाया गया है सभी को आत्मनिर्भर बनाने का और 14 से 19 साल के खिलाड़ियों का रजिस्ट्रेशन भी कराया गया।
रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।